सर मौजम ग्रुप ट्यूशन एक्सपर्ट्स इन कराची बोर्ड फॉर क्लासेस 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ग्रुप्स हैं कंप्यूटर साइंस एंड बिजली इंजीनियरिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आज केमिस्ट्री का 2019 के एमसीक्यूस देखेंगे क्लास 9 के। सल्फर बर्न्स इन एयर विद ब्लू फ्लेम टू प्रोड्यूस। सल्फर बर्न्स इन एयर, एयर का मतलब एयर में ऑक्सीजन होती है, तो सल्फर जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, SO2 सही जवाब है। कॉपर और टिन का एलॉय क्या होता है? एलॉय कहते हैं जब दो मेटल मिलते हैं, तो कॉपर एक मेटल है, टिन एक मेटल है, ये दोनों आपस में मिले तो जो बनेगा वो ब्रॉन्ज होगा। फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH। एक्स जो है वो होता है हैलोजन का। COOH होता है एसिटिक एसिड का। तो ये सारे भी आपको याद होने चाहिए। वैसे इसका जो अल्कोहल का जवाब OH होता है। पहला साइंटिस्ट जिसने ओपियम यूज़ की थी एनेस्थेटिक के तौर पर वो अलराजी था। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। जूल जो है वो एनर्जी का होता है, कूलम चार्ज का होता है और किलोवाट एनर्जी का होता है। कौन सा एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन K2, L8 और M2 हो? 2 और 8 10, 10 और 2 12। अब एटॉमिक नंबर 12 किसका होता है? मैग्नीशियम का ही होता है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैग्नीशियम की है। अगर K2, L8, M1 होता तो 11 हो जाता, 11 होता तो सोडियम का होता। इसी तरीके से द मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम। अगर एक मोल मास को ग्राम में लिख दें तो वो मोलर मास बन जाता है। केमिकली सिमिलर कौन है? फ्लोरीन और क्लोरीन। एक ग्रुप के जो होंगे वो केमिकली सिमिलर होंगे। द प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल स्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड की सरफेस से अगर मॉलिक्यूल जा रहे हैं तो वो एवपोरेशन है, वो प्रोसेस एवपोरेशन कहलाता है। MgO के दरमियान बॉन्ड क्या होगा? अब मैग्नीशियम 2A ग्रुप का मेंबर है, ऑक्सीजन 6 का मेंबर है, तो ऑक्सीजन के आकर्षण में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, मैग्नीशियम के आकर्षण में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब भी आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जवाब सही है। 0.6 मोल फ्रैक्शन में एक का है तो दूसरे सॉल्यूट का है, तो सॉल्वेंट का कितना होगा? तो हमेशा याद रखें कि मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। अगर 1.6 है तो दूसरा जाहिर सी बात है 0.4 होगा, ताकि सम 1 हो जाए। अगर 1.5 होगा तो दूसरा भी 0.5 होगा, 1.3 होगा तो दूसरा 0.7 होगा। द कलर ऑफ ब्लैक शू पॉलिश। हमारे जूतों में जो पॉलिश है उसके कलर किस तरह आता है? एनिमल चारकोल के ज़रिए। सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में कौन है? तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट जो अर्थ क्रस्ट में है वो सिलिकॉन है। कोका कोला के अंदर एसिड कौन सा यूज़ होता है? कार्बोनिक एसिड यूज़ होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सा है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब खाना हजम करना। तो हम खाना हजम करते हैं, हमारी बॉडी तो क्या जनरेट करती है? हीट जनरेट करती है। जब भी हमारी बॉडी जो है वो टेम्परेचर उसका 37 डिग्री पे मेंटेन रहता है तो वो एक्सोथर्मिक है। द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर एट 400 डिग्री सी पे जो मैक्सिमम डेंसिटी होगी वाटर की वो होगी 998 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, 5 ईयर में कुछ MCQs गलत होते हैं तो उसको जो है ज़रूर क्या कर लिया करें, एक दफ़ा ही चेक कर लिया करें। हाईएस्ट कार्बन कंटेंट किस में पाया जाता है? ये एंथ्रासाइट में पाया जाता है।